गोविंदा को लगी गोली निकाली गई है। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया सफल ऑपरेशन, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल आईसीयू में ही रहेंगे गोविंदा, इसी गोली से जख्मी हुए थे गोविंदा, जिसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और बड़ी बात यहां पर यह है कि लगभग 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रहेंगे डॉक्टर्स के, वो आईसीयू में रहने वाले हैं। और फिलहाल जो गोली लगी थी वो गोली निकाल ली गई, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यही वो गोली है जिससे गोविंदा घायल हुए थे, और फिलहाल जब ऑपरेशन हुआ तो इस गोली को बाहर निकाला गया, जो आप न्यूज नेशन पर ये तस्वीर देख पा रहे हैं। यही वो गोली है जिससे गोविंदा घायल हुए थे, यही वो गोली है जो उनके पिस्तल से फायर हुई थी, यही वो गोली है जिससे फिलहाल डॉक्टरों ने बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद गोविंदा ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि वो इस वक्त ठीक हैं, उनकी हालत में सुधार है, हालांकि वो फिलहाल 24 घंटे तक उसी आईसीयू में रहेंगे, ये खबर सामने आ रही है। हालांकि जो उनके रिलेटिव है लगातार उनसे मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंच भी रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, गोविंदा को गोली लगने पर उनके भाई का बयान भी सामने आया, गोली निकाल दी गई है। गोविंदा के भाई ने इस बात का जिक्र किया है, पैर के अंगूठे में लगी थी गोली, गोविंदा के भाई ने इस बात का जिक्र किया, डॉक्टरों ने गोविंदा को आराम करने को कहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोली निकाल दी गई है, सब कुछ जी सब कुछ हो चुका हुआ है। डॉक्टरों ने कहा है थोड़ा सा रिलीफ के लिए, दो तीन दिन रहने के लिए, लेकिन वो ऐसा मतलब फील करते हैं कि अगर वो ठीक हो जाए तो आज शाम को ही घर चले जाए, इतना वो। कौन से पैर में गोली लगी थी और सुनिए मेरी बात, वो पैर के अंगूठे में गोली लगी थी और वो अपना जा रहे थे और खाली रिवॉल्वर चेक कर रहे थे, उससे हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर गया, उससे गोली चल गई थी। तो वक्त के ऊपर जो है यहाँ पर बोल रहा, थाइल्स में लगी थी, पैर में लगी थी, आप एग्जैक्ट बताइए सर कहाँ पे, क्योंकि इनके जो फ्रेंड्स हैं अंगूठा हाँ नीचे, मैं बताऊँ, साइलेंट प्लीज, सुनिए सुनिए बात, सुनिए बात इसकी नहीं है घुटने की और पैर की अंगूठे की, मैं बात यह है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं और ईश्वर कृपा से मैं उनके चाहने वालों को, खास करके आप सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा जी को, मेरे छोटे भाई को रहते हुए जितने साल बीते और इतना प्यार मिला, उन सभी के लिए मैं उनके सारे दर्शकों को, सारे प्रशंसकों की मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ, मेरा बहुत बहुत नमन है उन लोगों को, धन्यवाद। डॉक्टर्स ने क्या कहा बस एक आध दो दिन और, मतलब अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई नो, तो एक दो दिन और जो है यहाँ काटने पड़े। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना के नेता भी हैं वो, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बात करी है उन्होंने, जी जरूर किया होगा, जरूर किया होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी फोन आया उन्होंने, जी 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 जी, ये किशोर की कृपा है कि सब लोग प्यार करते हैं मेरे भाई को, हमने ये देखा है कि हमारे छोटे भ्राता जो हैं उनको सब लोगों से प्यार मिला और आज भी जो है ईश्वर उनको उसी से जो है प्रेम से, प्रेमवश आप लोग सब लोग आए हैं, इसलिए आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोविंदा के भाई को आप सुने तो, और इसी पीछे एक और बड़ी खबर, बेटी टीना आहूजा गोविंदा से मिलने पहुंची है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे, गोली लगने के बाद पापा का ऑपरेशन हुआ, टीना ने इस बात का जिक्र किया था, पापा के पैर से गोली निकाली गई है। टीना ने कुछ देर पहले इस बात का जिक्र किया था कि फिलहाल वो ठीक है, डॉक्टरों की निगरानी में है पापा। टीना आहूजा ने इस बात का जिक्र किया, आईसीयू में पापा 24 घंटे तक रहेंगे, वहीं पर उनका इलाज होगा, वहीं पर वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पापा के पैर से गोली फिलहाल निकाल ली गई है, टीना ने इस बात का जिक्र किया, गोली लगी थी और उसके बाद लगातार जो परिवार वाले हैं वो गोविंदा से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि सफल ऑपरेशन हो गया और 24 घंटे के लिए वो आईसीयू में ही रहेंगे। और आपको बता दें, अस्पताल से गोविंदा ने ऑडियो मैसेज जारी किया है, गलती से गोली चल गई थी, भगवान की कृपा से गोली निकाल दी गई है, अब मैं खतरे से बाहर हूं, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अस्पताल से गोविंदा का ऑडियो मैसेज सामने आया है, गलती से गोली चल गई थी, ये बात गोविंदा की तरफ से कही गई है, भगवान की कृपा से गोली निकाल दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब मैं खतरे से बाहर हूँ, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे गोविंदा की तरफ से स्टेटमेंट, और देखिए ये अपने आप में राहत की बात रहेगी उनके सभी चाहने वालों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और उन्होंने ऑडियो मैसेज जारी किया है गोविंदा ने, क्या कुछ कहा उन्होंने सुन लीजिए। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा, आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है,
मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। तो देखिए आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। वाकया आज सुबह 4:45 बजे का है। हुआ ये कि अभिनेता गोविंदा की सुबह में कोलकाता के लिए फ्लाइट थी, इस दौरान उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर दराज से बाहर आ गिरी। जमीन पर गिरते ही रिवॉल्वर से गोली चली और ये गोली उनके पैर में जा लगी। गोविंदा के सेक्रेटरी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ डिटेल अब तक, और उनकी हालत इस वक्त कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? एकदम हालत ठीक है, आईसीयू में इसलिए है कि उनको ऑपरेट करके गोली निकाली गई है जी। और हम लोग जा रहे थे कलकत्ता एक शो के लिए, लेकिन मैं सामान मन पैकिंग करते टाइम अपना रिवॉल्वर रख रहे थे वो कवर के अंदर, उसे स्लिप करके नीचे गिरा और मिस फायर हो गया। शशि जी, उसके बाद क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, जैसे आप लोगों को पता लगा उसके बाद किस वक्त आप अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर्स के पहले रिएक्शन क्या थी और अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है, कितनी देर और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे? नहीं, बस वैसे तो ठीक ठाक है, बातचीत भी अच्छे से करना, शाम तक रखेंगे, उसके बाद एक दो दिन में फिर अपना थोड़ा सा नॉर्मल ट्रीटमेंट तो होता ही है ना, तो हो जाएगा ठीक उसके बाद। शशि जी, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है, आपकी कोई बात हुई उनसे? मामला कुछ मामला ही नहीं है, जांच करने की कोई बात नहीं हो, स्लिप ही गिरा था, बस ऊपर वाले ने बचा लिया, ये सबसे बड़े वाली प्लस पॉइंट है, बाकी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मुंबई पुलिस ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुंबई पुलिस से कोई हॉस्पिटल पहुंचा है, किसी तरह की कोई बातचीत आप लोगों की अभी पुलिस से हुई है? सुबह से वहाँ पर पुलिस आई सुबह पूरा करके गई है। सचिन जी, फिलहाल अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर्स की तरफ से उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है, कब तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ठीक है मैडम, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। और एक महत्वपूर्ण सवाल शशि जी, जो हर किसी के जहन में आ रहा है, वो ये है कि अगर उस रिवॉल्वर को साथ वो ले जा रहे थे, उससे पहले साफ की गई थी, तो जो कि वो लोडेड रिवॉल्वर थी, तो ये हादसा बहुत गंभीर भी हो सकता था, हालांकि पैर में गोली लगी है फिलहाल वो नहीं। देखिए ऐसा क्या है कि वो सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर अपने पास रखते हैं, लेकिन बाहर कहीं जाते हैं तो रख के जाते हैं, क्योंकि जरूरत कोई नहीं पड़ती है, बाहर जाते हैं तो खुद सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ है, हमारा सिक्योरिटी यहाँ पर गवर्नमेंट ने दी हुई, वो भी यहाँ पर है, तो कहीं प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है जी। तो किस तरीके से ये हादसा हुआ, मतलब पूरी डिटेल आप बता पाएंगे क्या? आपको यही तो हम लोग बता रहे, वो कवर में रख के एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे, इन बिनों स्लिप कर गया पिस्टल और नीचे गिरा जमीन पर, उसके बाद मिस फायर हुआ, पैर में लग गया, पैर में गोली लग गई थी, जो हड्डी में फंसी थी उसको डॉक्टर ने निकाल के सब कुछ बढ़िया बताया, सब कुछ ठीक है। शशि जी, क्या ये जानकारी आपके पास है, जब ये हादसा हुआ घर में कौन कौन मौजूद था, कौन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, क्या आप भी वहां पर थे? नहीं नहीं, हमारे ड्राइवर और भाई सब थे, लेके एयरपोर्ट आ रहे थे, इन बिटवीन हादसा हो गया, तुरंत उनको लेके वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे, मैं भी एयरपोर्ट से जी इनके पास हॉस्पिटल में आ गया हूँ, किसी के हॉस्पिटल में सब कुछ मैडम ठीक है। बताया जा रहा है कि गलती से रिवॉल्वर का लॉक खुला रह गया था, गोली लगने के बाद उन्हें मुंबई के क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें आईसीयू में रखा गया, गोली पैर में जा फंसी थी, डॉक्टरों ने उनके पैर से गोली निकाल दी है, फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी साल मार्च महीने में गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए थे, साल 2004 में उन्होंने सियासी डेब्यू किया था और वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। 80 और 90 के दशक में गोविंदा की पहचान एक्शन और डांसिंग स्टार के तौर पर थी, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का हीरो नंबर 1 से नवाजा गया था। गोविंदा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1986 की फिल्म लव 86 से की थी, इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। टीम न्यूज़ नेशन।
और आपको बता दें अस्पताल से गोविंदा ने ऑडियो मैसेज जारी किया है, गलती से गोली चल गई थी, भगवान की कृपा से गोली निकाल दी गई है, अब मैं खतरे से बाहर हूँ, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अस्पताल से गोविंदा का ऑडियो मैसेज सामने आया है, गलती से गोली चल गई थी, ये बात गोविंदा की तरफ से कही गई है, भगवान की कृपा से गोली निकाल दी गई है और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब मैं खतरे से बाहर हूँ, सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे गोविंदा की तरफ से स्टेटमेंट, और देखिए ये अपने आप में राहत की बात रहेगी उनके सभी चाहने वालों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और उन्होंने ऑडियो मैसेज जारी किया है, गोविंदा ने क्या कुछ कहा उन्होंने सुन लीजिए। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा, आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। तो देखिए आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। वाकया आज सुबह 4:45 बजे का है। हुआ ये कि अभिनेता गोविंदा की सुबह में कोलकाता के लिए फ्लाइट थी, इस दौरान उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर दराज से बाहर आ गिरी, जमीन पर गिरते ही रिवॉल्वर से गोली चली और ये गोली उनके पैर में जा लगी। गोविंदा के सेक्रेटरी हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये हादसा कैसे हुआ, क्या कुछ डिटेल अब तक, और उनकी हालत इस वक्त कैसी है, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? एकदम हालत ठीक है, आईसीयू में इसलिए है कि उनको ऑपरेट करके गोली निकाली गई है जी। और हम लोग जा रहे थे कलकत्ता एक शो के लिए, लेकिन मैं सामान बंद पैकिंग करते टाइम अपना रिवॉल्वर रख रहे थे, वो कवर के अंदर उसे स्लिप करके नीचे गिरा और मिस फायर हो गया। शशि जी, उसके बाद क्या पूरा घटनाक्रम रहा है, जैसे आप लोगों को पता लगा उसके बाद किस वक्त आप अस्पताल लेकर पहुंचे, डॉक्टर्स के पहले रिएक्शन क्या थे और अभी डॉक्टर्स का क्या कहना है, कितनी देर और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे? नहीं, बस वैसे तो ठीक ठाक है, बातचीत शाम तक रखेंगे, उसके बाद एक दो दिन में फिर अपना थोड़ा सा नॉर्मल ट्रीटमेंट तो होता ही है ना, तो हो जाएगा ठीक उसके बाद। शशि जी, इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है, आपकी कोई बात हुई है उनसे? नहीं, मामला कुछ मामला ही नहीं है, जांच करने की कोई बात नहीं हो, उस स्लिप लेके गिरा था, बस ऊपर वाले ने बचा लिया, ये सबसे बड़े वाली प्लस पॉइंट है, बाकी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मुंबई पुलिस ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मुंबई पुलिस से कोई हॉस्पिटल पहुंचा है, किसी तरह की कोई बातचीत आप लोगों की अभी पुलिस से हुई है? सुबह से वहाँ पर पुलिस आई सुबह पूरा तहकीकात करके गई है। सचिन जी, फिलहाल अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर्स की तरफ से उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है, कब तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम ठीक है मैडम, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं। और एक महत्वपूर्ण सवाल शशि जी, जो हर किसी के जहन में आ रहा है, वो ये है कि अगर उस रिवॉल्वर को साथ वो ले जा रहे थे, उससे पहले साफ की गई थी, तो जो कि वो लोडेड रिवॉल्वर थी, तो ये हादसा बहुत गंभीर भी हो सकता था, हालांकि पैर में गोली लगी है फिलहाल वो नहीं। देखिए ऐसा क्या है कि वो सेफ्टी के लिए रिवॉल्वर अपने पास रखते हैं, लेकिन बाहर कहीं जाते हैं तो रख के जाते हैं, क्योंकि जरूरत कोई नहीं पड़ती है, बाहर जाते हैं तो वो खुद सिक्योरिटी मिलती है, सब कुछ है, हमारा सिक्योरिटी यहाँ पर गवर्नमेंट ने दी हुई, वो भी यहाँ पर है, कहीं प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है जी। तो किस तरीके से ये हादसा हुआ, मतलब पूरी डिटेल आप बता पाएंगे क्या? आपको यही तो हम लोग बता रहे, वो कवर में रख के एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे, इन दिनों स्लिप कर गया पिस्टल और नीचे गिरा जमीन पर, उसके बाद मिस फायर हुआ, पैर में लग गया, पैर में गोली लग गई थी, जो हड्डी में फंसी थी उसको डॉक्टर ने निकाल के सब कुछ बढ़िया बताया, सब कुछ ठीक है। शशि जी, क्या ये जानकारी आपके पास है, जब ये हादसा हुआ घर में कौन कौन मौजूद था, कौन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, क्या आप भी वहां पर थे? नहीं, हमारे ड्राइवर और बॉय सब थे, लेके एयरपोर्ट आ रहे थे, इन बिटवीन यहाँ से अगर तुरंत उनको लेके लोग हॉस्पिटल पहुंचे, मैं भी एयरपोर्ट से जी इनके पास हॉस्पिटल में आ गया हूँ, किसी के हॉस्पिटल में सब कुछ मैडम ठीक है। बताया जा रहा है कि गलती से रिवॉल्वर का लॉक खुला रह गया था,
गोली लगने के बाद उन्हें मुंबई के क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। गोली पैर में जा फंसी थी, डॉक्टरों ने उनके पैर से गोली निकाल दी है। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इसी साल मार्च महीने में गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए थे। साल 2004 में उन्होंने सियासी डेब्यू किया था और वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। 80 और 90 के दशक में गोविंदा की पहचान एक्शन और डांसिंग स्टार के तौर पर थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का हीरो नंबर वन से नवाजा गया था। गोविंदा ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 1986 की फिल्म लव 86 से की थी। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी। टीम न्यूज़ नेशन पाएंगे, देखिए जिस तरीके से पूरा घटना हुआ है उसके बाद सवाल कई सारे हैं। हालांकि देखिए, जब उनके मैनेजर से न्यूज़ नेशन की बात हुई तो उन्होंने ये क्लियर कहा कि आज कोलकाता जाने वाले थे, उसी क्रम में वो सफाई कर रहे थे और अचानक गिरा, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। और पंकज मिश्रा हमारे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। हमारे साथ पंकज, कहा यह जा रहा है कि कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में आईसीयू में रखा जाएगा, लगभग 24 घंटे, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि गोविंदा ने अब ऑडियो संदेश जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अब ठीक है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गोविंदा को गोली लगने की खबर सार्वजनिक हुई, उसके बाद से ही गोविंदा के जो तमाम फैंस हैं वहाँ पर चिंता की जो लहर है वो शुरू हो गई। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे व्यक्तिगत तौर पर जो गोविंदा को जानते हैं वो परिवार से संपर्क करने लगे और सब ये जानना चाहते थे कि गोविंदा वाकई में ये जो गोली लगी है वो बाय मिस्टेक लगी है, उनकी अपनी गलती से लगी है, या फिर यहाँ पर कोई साजिश या कोई दूसरी वजह है। तो यही वजह है कि अब गोविंदा ने भी अपनी तरफ से ऑडियो जारी करके ये जानकारी दे दी है कि वो बिल्कुल ठीक है, गोली पैर में लगी थी, डॉक्टरों ने गोली निकाल लिया है। वो फैंस का भी शुक्रिया कर रहे हैं, डॉक्टर्स का भी शुक्रिया कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका जो स्टेटमेंट है वो पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो चुकी है, क्राइम ब्रांच जो है वो भी इस मामले की जांच कर रही है। तो गोविंदा का स्टेटमेंट लिया जाएगा, कितने बजे हुआ, किस तरह से यह हादसा हुआ, जो बंदूक का जो रिवॉल्वर का जो सेफ्टी लॉक था वो कैसे खुला, रिवॉल्वर लोडेड कैसे था, ये तमाम सवाल है जिसका जवाब जो है वो गोविंदा ही दे सकते हैं, क्योंकि उनका जो रिवॉल्वर है वो किसी और को छूने की अनुमति नहीं है। उस वक्त घर पर वही थे और साथ में उनके नौकर थे, तो गोविंदा ही सही सही से जानकारी दे पाएंगे कि ये पूरी घटना जो है वो कैसे घटी। लेकिन क्योंकि हम ऑडियो में भी सुन पा रहे हैं, कोई गोविंदा ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही आप देख पाएंगे कि बहुत ही धीमी आवाज़ में वो बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए। तो फिलहाल पुलिस जो है वो इंतज़ार कर रही है कि गोविंदा ठीक हो जाए और फिर गोविंदा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सके। फिलहाल जो अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि जो गोली पैरों में लगी थी वो हड्डियों में जाकर फंस गई थी, उसे निकाल लिया गया है और फिलहाल गोविंदा जो है वो स्टेबल हैं, स्थिर हैं, खतरे की कोई बात नहीं है। परिवार के लोग जो हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जैसा कि आपने बताया कि 24 घंटों तक गोविंदा को आईसीयू में रखा जाएगा। डॉक्टर जो हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे, जब वो समझ में आ जाए कि गोविंदा ठीक है, अब उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, तब गोविंदा को डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो एक चिंता जो हर किसी को सता रही है, मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा था कि हर कोई बिल्कुल चिंतित जरूर थे सब लोग पंकज, लेकिन वही बात है ना कि जब गोविंदा ने ऑडियो संदेश जारी किया तो काफी जो उनके चाहने वाले हैं उनको एक राहत की सांस ली। इसलिए अपने दर्शकों, आप रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं गोविंदा का वो ऑडियो मैसेज। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा, आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा के वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। और पंकज मिश्रा लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा देखिए पंकज, कुल मिलाकर अब ये कहा जाए कि 24 घंटे के अंदर गोविंदा को अब अस्पताल से शायद राहत दे दी जाएगी, और दूसरी बात ये क्या उसके बाद ही जांच जो है वो शुरू होगी, क्योंकि अभी शायद बहुत अच्छे से बोलने की कंडीशन में होंगे नहीं गोविंदा। पंकज
देखिए जांच शुरू हो चुकी है, पुलिस जो है वो गोविंदा के घर पर पहुंची है, वहां पर पंचनामा किया जाएगा और पूरा जो घटनाक्रम है वो पुलिस समझेगी, आखिर में गोविंदा का स्टेटमेंट लिया जाएगा। फिलहाल उनके साथ के जो लोग हैं जो उस वक्त घर पर मौजूद थे उनका स्टेटमेंट दर्ज किया जाएगा और जब गोविंदा इस हालत में होंगे कि वो अपना स्टेटमेंट पुलिस को दे सकते हैं तब गोविंदा का स्टेटमेंट लिया जाएगा और उनका स्टेटमेंट ही फाइनल माना जाएगा। जब वो बता देंगे कि इस पूरी घटना कैसे हुई उसके बाद ही पुलिस ये डिसाइड करेगी कि ये मामला, ये जांच जो है वो आगे जानी चाहिए या फिर ये मामला यहीं पर ख़त्म होता है। तो इंतज़ार है कि गोविंदा स्टेबल अस्पताल से वो बाहर आ जाए और वो खुद जब पुलिस को बताएंगे कि अब मैं स्टेटमेंट देने की हालत में हूँ तब पुलिस की टीम उनका स्टेटमेंट दर्ज करने पहुँचेगी। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि पैरों में गोली लगी है, गोविंदा जो है वो इस देश के डांसिंग स्टार माने जाते हैं, तो क्या वो जो गोली पैरों में लगी है उसके बाद आगे भविष्य में वो उस तरह से जैसा कि वो स्टेज पर परफॉर्म करते थे, क्योंकि आज भी वो कोलकाता में एक शो के लिए जा रहे थे, तो अब पैरों में गोली लगने के बाद क्या गोविंदा आगे परफॉर्म कर पाएंगे कि क्या उनके फैन जो हैं भविष्य में उन्हें उसी अंदाज में डांस करते देख पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और वो देखना होगा कि उसको लेकर डॉक्टर्स आगे क्या कहते हैं। जी जी ठीक है पंकज, आप रहिए हमारे साथ। देखिए गोविंदा की बेटी हैं वो लगातार साथ में मौजूद हैं गोविंदा के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुना देते हैं, आखिरकार समझ में फिर आपको आएगा कि क्या कंडीशन उनकी रही है। और देखिए उन्होंने कहा है कि गोली लगने के बाद पापा का ऑपरेशन हुआ और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पापा के पैर से गोली निकाली गई, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। डॉक्टरों की निगरानी में है पापा, मतलब लगातार वो साथ में मौजूद हैं गोविंदा के, और आईसीयू में पापा के साथ हूँ, मतलब आईसीयू में गोविंदा हैं, ये बात लगातार हम भी आपसे कह रहे थे, लगभग 24 घंटे का वक्त जो है वो रहेगा। और ऐसे में आप पंकज देखिए एक बात ज़रूर रही है कि आप चाहे गोविंदा की बेटी की बात करें या परिवार के अन्य लोगों की, ये राहत की खबर रही है कि परिवार के लोग भी साथ में मौजूद हैं, और ऐसे में अब बस बड़ा सवाल ये है कि वो कितना क्रिटिकल रहेगा ये पेन, ये दर्द, और उसको पूरी तरह से क्योर करना। बिल्कुल जैसा कि बता रहा था कि अभी डॉक्टर्स ने सिर्फ ये कहा है कि गोविंदा खतरे से बाहर है, जो गोली लगी थी वो पैर में लगी थी और पैरों से गोली निकाल ली गई, गनीमत रही कि गोविंदा के शरीर के दूसरे किसी क्रिटिकल हिस्से में वो गोली नहीं लगी, तो पैर के हिस्से से गोली निकाल ली गई है। लेकिन एक एक्टर, एक परफॉर्मर जिसके लिए उसका पैर बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जब वो कहीं भी जाते हैं, स्टेज शो करते हैं, कभी किसी टीवी शो में पहुंच जाते हैं, तो उनसे दरख्वास्त की जाती है कि सर एक बार आप जो है वो अपने किसी गाने पर परफॉर्म करके दिखाएं, तो क्या अब गोविंदा उस तरह का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि भविष्य में उनका पैर जो है वो क्या पहले की तरह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि डॉक्टर सामने आकर बयान दे कि उनका जो जख्म है वो कब तक भर जाएगा और क्या वो चल फिर पाएंगे या फिर उन्हें सहारे की जरूरत पड़ेगी और वो जो जरूरत है वो कब तक होगी, क्या वो ठीक है। पंकज लगातार आप रहिए, देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देखिए जिन दर्शकों ने अभी भी टीवी ऑन किया उनको हम बता दें कि गोविंदा अब ठीक है, उन्होंने खुद एक ऑडियो मैसेज जारी किया, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देते हैं क्या कुछ कहा है गोविंदा ने। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ गोविंदा, आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से वो गोली लगी थी पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है आप लोग का धन्यवाद।